और मंदिर यहीं नाहन से थोड़ा सा दूर है। तो गाइस ये है स्वर की दूसरी सीढ़ी पौड़ी वाला। कैलाश पर बताने जाने का रास्ता था ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तो अब नई साल स्टार्ट हुई है, तो आज हमने डिसाइड किया कि हम जाएगी पूरी फैमिली मंदिर, और मंदिर यहीं नाहन से थोड़ा सा दूर है, पौड़ी वाला, सुना ही होगा नाहन वालों ने तो। और उसको ना स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी बोलते हैं। वो स्टोरी मैं आपको आगे आगे सुनाती जाऊंगी, अभी चलता है क्योंकि पापा नीचे वेट कर रहे हैं। और फिर हाँ, हमारे साथ संधीरा नहीं जा रही है क्योंकि मतलब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और बाकी हम सब जा रहे हैं। और मेरी कज़न सिस्टर आई है जो आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में भी, वो भी हमारे साथ है। तो फटाफट से चलते हैं नीचे और पापा हमारा वेट कर रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। इवन मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होना है। सो लेट्स सी गाइस क्या कुछ करते हैं। आजा दीक्षा, आनंद मम्मा आ जाओ, हाय कर दो। हाय हाय। तो मम्मा दीक्षा गुनु सब है, हम तो फटाफट से चलते हैं। इधर इधर आओ, इधर आओ। ओह मेरा बच्चा, आज क्या हो गया था? हाँ सॉरी यार, क्या हो? शेरू हाँ चला क्या नीचे, चल सुंदर लग रहा है। ढाटू सुनो, रुको, अपना स्टॉल ऊपर करो और मतलब ढाटू इससे ऐसे करो। हाँ अब ठीक है। हमें माता जी बहुत सुंदर लग रहे हैं गाइस। और अरे रुक जा पागल, ले रुक जा, अच्छी आएगी। हाँ बोलो हाय। नहीं होगा शुरू, कैसे हो पूछो कैसे हो। ये हमारे पड़ोसी दीदी और उनकी बेटी है, तो वो आई है। और ये देखो ये पता नहीं क्या कर रही है पर्स के साथ। बाय कर दो निकी, चलो मंदिर। बाय ये इसका छोटा भाई है जो कि सुंदर सुंदर है, पर मुझसे डरता है या शर्माता है, पता नहीं क्या क्या हो गया। काबू बाय, अच्छा बाय कर दो, बाय बाय काबू, काबू बाय, चल ले चल ले। पीछे मुड़, तो गाइस हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे। और वहाँ से ऊपर गेट से भी बोल रहे थे, वैसे तो कई लोग जाते हैं पैदल भी, बट यहाँ वहाँ से पौड़ी वाले मंदिर तक 1.5 किलोमीटर था, तो हम थोड़े नीचे आ गए। अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल और देखते हैं कितना दूर है यहाँ से हम। एनी चलो चलो, इतने लेट लेट क्यों चल रहे हो आप? क्या हो रहा है एनी, क्या हो रहा है? आजा आजा, हैंड दे दे दीदी, गाड़ी में चलता है, खुद चल लिया करो आप छोटे से अभी। तो हमें यहाँ से नाहन भी दिख रहा है, और अब हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितने दूर है मंदिर। हाय गर्ल्स, हाय हाय, मेरा हाथ आ रहा है। हाय और हम ये चार इसकी बातें सुनो, क्या बोल रहे हैं नहीं आप? गाड़ी में मजा नहीं आता, हम साथ चले आए हैं। गाड़ी में, गाड़ी में मजा नहीं आता, पर यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा में मजा आता है, और आपको कैसा मजा आता है? बहुत अच्छा मजा आता है, यहाँ जंगल में इतना मजा आता है। आसमान छुप गया,
यानी तू गिरेगी क्या? नहीं यार। गाइस अब मंदिर यहाँ नीचे रहा, फटाफट चल रहा, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। फाइनली क्या करे जाए, मंदिर तो ऐसे मान लो मंदिर है। कैसे मतलब, क्यों तेरे को ठीक नहीं लग रहा? नहीं मार्केट तो आपको नहाने मिलेगी और नहाना उस साइड है पार। दीक्षा दीक्षा को पसंद आ रहे हैं ये। यानी कुकू कुकू जब तेरे पास आएगा ना तो तू जो इससे साउंड आ रही है वो आपको सुनी रही होगी कितनी गूंज रही है। और यहाँ इतने बंदर है, घंटी का साइज प्राचीन इतिहास के अनुसार ये शिवलिंग हर साल चावल के दाने जितनी बढ़ती है और माना जाता है कि शिव जी भगवान इसमें साक्षात विद्यमान होते हैं और सभी जो श्रद्धालु आए होते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हमने वहाँ से एंटर किया था और ये मंदिर अंदर, और इसके साथ साथ यहाँ छोटे छोटे मंदिर और भी है, जैसे ये यहाँ भी है और बहुत पीसफुल है। और गाइस यहाँ देखो आप नीचे काफ़ी सुंदर सा मतलब पानी बह रहा है और हम वहाँ ऊपर से आए हैं। और ये यहाँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ये संदीरा देखो पार बैठी है, पर ये आ रहा है। मम्मा से यहाँ फूल छीन ले गए, मम्मी का बैग ही उठा लिया बंदरों ने। यहाँ चढ़ाना था। आप पूछा आपने गाइस, अभी नदी बैल से कुछ पूछी थी, विश मांगा थी, बताते नहीं है जुट्ठा हो जाता है, विश पूरी नहीं होती ऐसे बोलता है। मम्मी ने पूछा बोले बेटा क्या बोला तूने, फिर बोलते नहीं नहीं बताते नहीं है, चलते फिर। हाँ यहाँ अलग अलग तरीके की घंटियाँ, चलो स्वर की दूसरी सीढ़ी बोलते है इसको। अच्छा कैलाश पर जाने का रास्ता था ये, पहली हरकी पैड़ी, दूसरा चरण यहाँ तक क्या सुना है, और तीसरा फिर चूड़ेश्वर, हाँ जी महादेव है, और चौथा किन्नर कैलाश, फिर कैलाश पे जाता था। अच्छा फिर वहाँ नींद आ गई थी उनको सेम। तो गाइज हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और अब बारी है हिस्ट्री बताने की, पर यहाँ बंदर इतने सारे मेरे को तो डर ही लग रहा है। पौड़ी वाला शिव मंदिर का इतिहास रावण से जुड़ा माना जाता है। मान्यता यह है कि रावण ने अमृता प्राप्त करने के लिए भगवान आशुतोष का तप किया था, जिससे शिवजी भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, जिससे शिवजी भगवान ने रावण को वरदान दिया था कि यदि तुम एक दिन में 5 स्वर की सीढ़ियाँ बनाते हो तो तुम्हें अमरता प्राप्त हो जाएगी। तो फिर रावण ने पहली सीढ़ी बनाई हर की पौड़ी हरिद्वार, दूसरी सीढ़ी इसी मंदिर में पौड़ी वाला मंदिर में बनाई, और तीसरी सीढ़ी बनाई चूड़ेश्वर महाराज मंदिर में, और चौथी सीढ़ी बनाई किन्नर कैलाश पर्वत में। लेकिन जब 5वीं सीढ़ी बनाने की बात आई तो उस टाइम रावण की आँख लग गई, जिससे वो अपने कार्य में असफल रहा और उसे अमृता प्राप्त नहीं। वर्तमान में पौड़ी वाला मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, श्रद्धालु बहुत दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है। तो अगर आप भी कहीं नज़दीक रहने वाले हो और अभी तक नहीं गए हो तो पक्का विजिट करना। पेड़ देखो ना इसके साथ, देखो ये मिट्टी का ही है। ओ यार मूवी में ना ऐसे मूवी में ऐसे सीन तब होता था जब नाग नागिन निकलते थे। लुक एट दिस गाइस, अब पता नहीं इसके अंदर नाग नागिन है या फिर चींटियां हैं, आई डोंट नो। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताए। कहा है नहान, वहां पार रहा नहान की दिख नहीं रहा बट वहां है।
सो गाइस हमने माथा टेक दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब अगर कोई यहाँ नियर नियर वाले हैं ना तो पक्का आना, अगर नहीं आए हो। नहीं तेरी वीडियो बन रही है नाच फिर। सो गाइज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें।